अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के इस DIY में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ फ्रॉक्स डिज़ाइंस, जो कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक प्लेस किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है ये। देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसकी डिज़ाइनिंग। यहाँ पे ये देखें, इसका ये वाला पीस जो है ये ओपन है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं। बॉडी पे यहाँ पे नेट यूज़ हुई है, जिसके अंदर शिमर ऐड हुआ हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ये देखें, ये वाली चीज़, ये प्लेट्स हैं, इसमें तीन प्लेट्स दी गई हैं तिकोन शेप में, इस तरह से कि ये ऐसे लग रहा है कि हाफ पेटी बनी हुई है। और यहाँ पे फ्लावर्स का एक बंच ऐड किया गया है और यहाँ नीचे इसमें ट्रेसल्स वगैरह ऐड किए हैं, मोती लगाए हैं, पर्ल्स लगाए हैं। लेस पे भी ये देखें किस खूबसूरती से मोती लगाए गए हैं, ये बहुत ही हसीन फ्रॉक लग रहा है। ठीक है, और यहाँ देखें इसकी लाइनिंग, अब मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। ये इसकी एक लेयर है, सेकेंड लेयर इसकी टिशू की है, और ये देखें थर्ड लेयर है, ये शिमर वाले कपड़े की है, और इसके नीचे लेस लगाई गई है ये देखें इस तरह से। और इसको ये फुला दिया गया है, ये शिमर वाला कपड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा सा है, ठीक है, इसकी वजह से इसमें फुलावट आ गई है और इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा फ्रॉक। ये देखें, ये सेकंड फ्रॉक है और ये देखें बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा फ्रॉक है। इसमें सिर्फ कलर्स का कमाल है, नथिंग एल्स। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक था, वाइट कलर के ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं पिंक कलर के, जिसकी हमने सिंपल बॉडी कट की है, शेप कट की है। बॉडी शेप जो सिंपल नॉर्मल साइज होता है 1 ईयर बेबी के लिए वो है, ठीक है। उसी तरह से इसकी नीचे वाली ये देखें, ये पीस फ्रिल का जो है ये भी सेम कट किया गया है। इस पर यहाँ पे पैरेट कलर की पाइपिंग को ऐड किया गया है और नीचे पिंक कलर की डॉट्स वाली कंट्रास्ट में थोड़ा सा इसका एप्लिक लगाया है यहाँ पे नीचे की तरफ, ताकि इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ कर सकें और इसकी शो इंक्रीज़ कर सकें। और यहाँ पे देखेंगे जो इसके ऊपर नेट यूज़ की गई है, प्लेन वाइट नेट है, नथिंग एल्स। और इसको थोड़ा सा यहाँ से चुने देखें, यही पिंक कलर के फैब्रिक की बो बना के लगाई गई है, जिसके ऊपर पैरेट कलर का बन बनाया गया है। नीचे बीच का सेंटर जो है ये देखें पैरेट कलर का है, ये साइड्स जो हैं ये हैं पिंक कलर की, इन दोनों कलर के कंट्रास्ट किए गए, ठीक है। और ऊपर भी इसी तरह से ये वाला जो बेल्ट है ये इसी पिंक कलर का बनाया गया है, पिंक डॉट्स का। और यहाँ पे ये जो पाइपिंग है ये पैरेट की गई है, और यहाँ पे बीड्स लगा के, पर्ल्स लगा के इसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है। और ये पिंक कलर का बनी बनाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर बो लगा दी गई है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। और ये देखें इसकी ये नेट पीस है ये वाला पिंक वाला। और मैं अब आपको इसकी बैक शो करती हूँ। बैक इसकी स्लिट वाली है, मोस्टली बच्चों की बैक ये वाली जो चीज़ होती है ये स्लिट वाली बनानी चाहिए, इससे ये होता है कि बच्चों को पहनाने में आसानी रहती है। बच्चों के गले ना छोटे बनाने चाहिए, जैसा कि हम अपनी वीडियोस में आपको बताते रहते हैं कि बच्चों के गले छोटे बनाने चाहिए, बड़े गले बच्चों के सूट नहीं करते, बहुत ही बुरे लगते हैं, बेतुके से लगते हैं। छोटे गले बना लें लेकिन पीछे की साइड से स्लिट खोल लें, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। ये देखें, ये थर्ड फ्रॉक है। इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा आपको फ्लेयर नज़र आ रहा है ये रेप का है, यानी सीधा नहीं कट किया उसको, अम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला समझिए आप, हाफ अम्ब्रेला है, फुल अम्ब्रेला नहीं है, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ से हमने सीध में आप ले लें या चाहे आड़ा ले लें, आपको जिस तरह से मुनासिब लगे उस तरह से कपड़ा ले लें, जिस हिसाब से आपने कपड़ा लिया, ठीक है। और उसमें हमने यहाँ कट्स बना के पाइपिंग लगाई है इसी कपड़े की, मतलब इसी कलर की सेम कंट्रास्ट में पाइपिंग लगाई है, ताकि वो लगे कि वो इसी के सेम कट्स हैं, ठीक है। और इसी कपड़े की हमने बो बना के यहाँ लगाई है, और इस कलर की ये यही वाले कॉटन पीस की थोड़ा सा पीस लेके उसकी बो के लिए बीच का सेंटर को उसमें ऐड किया गया है। और ये सिंपल फ्रॉक है, देखिए मैं आपको समझा दूँ, ये फुल इसको जब आप फोल्ड करते हैं तिकोन पीस को, चकोर कपड़ा अगर है आपके पास उसे फोल्ड करते हैं, तो उसमें से बस कांधा कट करना है, और ये इतनी सी कटिंग है, इसमें और कोई ख़ास महारत नहीं, बस इस आर्म होल की कटिंग करनी है और ये थोड़ी सी नेक होल की कटिंग करनी है, उसके बाद सारा ये सर्कुलर शेप कट करना है। और आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें हमने यहाँ पे पाइपिंग लगा के इसके स्टेप्स बनाए हैं। आपने सबसे पहले पाइपिंग लगानी है गले वाली साइड की, उसके बाद लगानी है आर्म होल की। ये बात का आप खास ख्याल रखें, इस तरह से फ्रॉक में नीटनेस आती है। आर्म होल की लगती है बाद में पाइपिंग, पहले लगती है गले की। गले के लगने के बाद आर्म होल में पूरी लगाई है पाइपिंग, ठीक है, और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगाई ताकि स्टेप्स बन जाए। ये देखिए कटिंग सिर्फ इतनी होगी, ठीक है, स्टेप्स ऊपर एक्स्ट्रा लिए हैं हमने तकरीबन 3-3 इंच के हिसाब से। अब अगला फ्रॉक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नेक्स्ट फ्रॉक है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये तकरीबन वही सेम फ्रॉक है जो आपको पीछे दिखाया है, ठीक है। उसमें आपने देखा था कि वो हाफ
अम्ब्रेला सर्कल था, ये फुल अम्ब्रेला सर्कल यानी फुल राउंड सर्कल है, ठीक है। उसमें राउंड सर्कल में हमने यहाँ पे वही तरीका यूज़ किया है, पहले गले में पाइपिंग की है, फिर आर्म होल में पाइपिंग की है। यहाँ पे हमने स्टेप्स इसके लंबे रखे हैं यानी फुल लंबे स्टेप्स बनाए हैं, बच्ची की हाइट के हिसाब से इसे हम अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पे लैस लगाई है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। यहाँ पे लैस लगाई हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर ये बीट्स लगाए हुए हैं, पर्ल्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे फ्लावर्स ऐड करके इसकी खूबसूरती बढ़ा दी गई है। साइड में थोड़े से फ्लावर्स हैं आर्म होल के पास और थोड़े से नेक होल के पास, यहाँ पे सेंटर में फ्लावर्स हैं, उसकी वजह से इसकी खूबसूरती और ग्रेस बढ़ गई है। ये फ्रॉक पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये टॉप नुमा फ्रॉक है, आप देख लें। यहाँ पे ये तकरीबन हम इसे 1 से 2 साल की बच्ची के लिए पहना सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये 5 मिनट क्रॉप टॉप है। इसमें मैं आपको बता दूंगी, इंतहाई सिंपल कटिंग वाली और इंतहाई आसान स्टिचिंग की टॉप है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे ये बहुत ही स्टाइलिश लग रही है, ये हम जीन्स के साथ और स्कर्ट्स के साथ पहना सकते हैं अपने बेबीज को, ठीक है। और इसकी कटिंग मैं आपको थोड़ी सी समझा दूँ कि जब हम स्क्वेयर पीस लेते हैं फुल, उसमें बस हमें इतनी सी ये स्ट्रेट पीस है ना जैसे स्क्वेयर, तो उसमें बस ये आर्म होल की कटिंग करनी है जो कि ये हुई हुई है, और इसमें कोई महारत नहीं है। और जो स्लीव्स हैं इसके साथ अटैच कर दी हैं और यहाँ पर बस गले की पाइपिंग कर दी है। ये इतनी आसान क्रॉप टॉप है कि आप 5 मिनट में बना सकते हैं, और यहाँ पे हमने 2 बो लगा के इसकी खूबसूरती बढ़ा दी गई है। अगर हम यहाँ सेम कलर के इसके स्लीव लगाते तो वो भी प्यारे लगते हैं, लेकिन ये नेट की स्लीव लगा के इसकी खूबसूरती ज्यादा ही इनहेंस हो गई है, बहुत ही प्यारी क्रॉप टॉप लग रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। ये देखें ये नेक्स्ट फ्रॉक है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं ये भी तकरीबन सेम अम्ब्रेला फ्रॉक है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये पीस ऊंचा है और ये पीस नीचा है, इससे मुराद ये है कि ये फ्रंट का थोड़ा सा ये हाई एंड लो फ्रॉक है, ठीक है। ये इसकी हमने कटिंग सेम की थी जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की होती है, ठीक है, लेकिन जो फ्रंट पीस है उसको हमने पकड़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा तकरीबन 4 इंच का या 4 उंगली का समझ लिया हमने कट कर दिया है, ठीक है। इस तरह से हमने कट कर दिया जिसकी वजह से ये ऊंचा हो गया, बैक का टेल वाला है, टेल फ्रॉक भी कह सकते हैं आप इसे। और इसके ऊपर हमने यहाँ पे गला लगाया है, ये हमने कढ़वाया था बाजार से, ये बहुत ही प्यारा गला बना हुआ है, ऊन का गला है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, और हमने इसका जो जोड़ था हमने साइडों में नहीं लिया, ये इसका जोड़ बैक पे पीछे की तरफ आया है, जिसको हमने ये देखें ओवरलॉक करवा लिया है। और ये कपड़ा समर कपड़ा है, इसकी वजह से ये ढलकता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। समर कपड़े में हमेशा ख्याल रखें, जब भी आप इसे स्टिच कर लें तो उसके बाद इसकी ओवरलॉक ज़रूर करवाएं, इस अगर आप नहीं करवाते तो वो उसके धागे निकल निकल के वो खुल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। ये देखें ये नेक्स्ट फ्रॉक है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत क्रॉप टॉप नोवा फ्रॉक है, ठीक है। इसकी कटिंग भी सिंपल है, जैसे आपको बताया था स्क्वायर पीस लेते हैं। ये देखें इसमें इलास्टिक डला हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसे लग रहा है, लेकिन ये स्क्वायर पीस लिया हुआ है, इसमें बस शोल्डर्स की कटिंग की गई है। शोल्डर कट करने के बाद इसमें यहाँ पे स्लीव लगा के ये जो इसका नेक होल है इसमें यहाँ पे इसको नेफे की तरह फोल्ड किया और इसमें इलास्टिक डाल दिया, जिसकी वजह से ये देखें ये इलास्टिक वाला गला है, बिल्कुल खुला गला है, और पहनाने में ये आसान रहता है, इसमें स्लिट खोलने की हमें ज़रूरत नहीं पेश आती। और यहाँ पे हमने यहाँ फ्लावर्स यूज़ किए हैं इसी के कंट्रास्ट में, वाइट कलर के फ्लावर्स जो कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये बच्ची पे पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ हमने स्लीव्स में भी इलास्टिक डाला है, ये देखें ये इलास्टिक की गिठान भी नज़र आ रही है, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है। इस बात का आप ख्याल रखिए, इलास्टिक हमेशा पहले साइज़ कर लें उसके बाद सीएं। अगर आप बहुत ही पतला यानी छोटा पीस ले लेंगे इलास्टिक का और डाल देंगे तो बच्चे के पहनने के बाद वो निशान डाल देता है, इस बात का मेजरमेंट का ख्याल रखा कीजिए कि आप प्लास्टिक नाप के फिर डाला करें। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट फ्रॉक ये है ब्लू कलर का, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है, ये बिब वाला फ्रॉक है, सिंपल बिब कटिंग की हुई है, इसमें सर्कुलर आर्म नेक होल और आर्म होल है, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पे वाइट कलर का पैच यूज़ किया है, ये बाज़ार से आपको बआसानी मिल सकता है कि आप मार्केट जाएं और पैचेस जब आप चेक करते हैं तो उसमें इस तरह के वाइट पैचेस, ज़्यादातर वाइट पैचेस ही मिलते हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे हमने उसी को यूज़ किया है, ठीक है। और नीचे की साइड पे यहाँ देखें हमने यहाँ पे फ्रिल लगाई है ताकि इसकी खूबसूरती बन जाए। ये देखें फुल जब हम स्ट्रेट फ्रॉक बनाते हैं और नीचे फ्रिल लगा देते हैं तो उसमें खूबसूरती आ जाती है, फ्लेयरपन आ जाता है, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं इस वजह से फ्रॉक। और यहाँ पर भी हमने इसमें चुने दिए हैं जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। अगर हम चुने ना दें तो कपड़े इस तरह बिल्कुल सीधे सीधे से बन जाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा लगेगा डिब्बा पहना दिया है, तो ऐसे तो बिल्कुल सूट नहीं करता। इसलिए आप कोशिश कीजिए, आप फ्रिल्स वगैरह यूज़ कीजिए अपने फ्रॉक्स में, कम कपड़े में ज़्यादा खूबसूरती लाने के लिए ये चीज़ बेहतरीन रहती है कि हम उसमें फ्रिल्स डाल लें, प्लेट्स डाल लें, तो वो खूबसूरती
ब्यूटी एनहेंस कर देती है कपड़े की। उसके बाद अगर हम उसमें पैचेस वगैरह लगा लें, बटन्स लगा लें, फ्लावर्स लगा लें, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नेक्स्ट फ्रॉक है और ये लास्ट फ्रॉक है। आपको मैं दिखा दूँ, ये व्हाइट कलर का फ्रॉक है। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसकी योक पे एम्ब्रॉयडरी करवाई है। मैं करीब से आपको दिखाना पसंद करूँगी। ये देखें, यहाँ पे हुई हुई है इसकी एम्ब्रॉयडरी और यहाँ पे मैंने इसमें पर्ल्स लगा के इसकी खूबसूरती को बढ़ाया है। इसकी यहाँ पे मैंने नीचे भी इस पे जो होती है ऊन, उससे स्टिचेस लगाए हैं तिरछे। इसको हम जिगजैग स्टिचेस भी बोल सकते हैं। ये मशीन से आप चाहें तो मशीन से करवा लें, ऐसे मैंने ये हाथ से बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने इस पर्पल कलर के कंट्रास्ट में पाइपिंग यूज़ की है, बो यूज़ की है। और इसकी ये देखें, इसके जो स्टेप्स बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हैं। लेस को यूज़ करके लेस के अंदर पर्पल कलर का, लाइट पर्पल कलर का हमने रिबन यूज़ किया है। ये देखिए, लाइट पर्पल कलर का अंदर से रिबन यूज़ किया है। और जो इसकी साइड्स हैं, ये देखें, ये इसमें हमने यहाँ पे इसी तरह से वो क्रेशिया से ही बनाई है डोरी सी। अब मैं आपको इसका घेर दिखाती हूँ। घेर में हमने पर्पल कलर की लेस लगाई है, बॉर्डर लेस, और इसमें हमने पाइपिंग भी लगाई थी इससे पहले, और इसके बाद हमने इस पर लेस लगा के इसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया है। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरे आज के ये फ्रॉक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे ये फ्रॉक्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।